हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं नीर डोसा। नीर डोसा को हम मैंगलोर में पनपड़े भी बोलते हैं। सो नीर डोसा पनपड़े बनाने के लिए आप ये रेसिपी एंड तक देखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए हम अब ये रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैं एक बाउल में 1.5 कप के करीब राइस ले रही हूँ। राइस को मैंने अभी 3 से 4 पानी में अच्छे से धोया है और अब मैं इसे पानी में भिगो के सोक करके रखूँगी ओवरनाइट, पूरे रात भर, और मैं इसे कल सवेरे फिर ग्राइंड करूँगी। तो हम अब कल सवेरे मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये हमने कल रात को राइस सोक करके रखी थी नीर डोसा बनाने के लिए। तो चलिए इसे चेक करते हैं। तो हमारा राइस जो है वो अच्छी तरह से सोक होके रेडी हो गया है ग्राइंड होने के लिए। तो अब हम इसे ब्लेंडर जार में निकालते हैं और इसे हम 2 पोर्शंस में ग्राइंड करेंगे। तो ऐसे हमें इसका थोड़ा सा हल्का सा पानी ड्रेन करके इसको ग्राइंडर में डालना है। सो हमने आधे राइस को ब्लेंडर में डाल दिया है। अब मैं इसे कवर करके ग्राइंड करूँगी। पहली बार जब मैंने इसे ग्राइंड किया तो मैंने इसमें पानी नहीं डाला, पर अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो चलिए इसे फिर से ग्राइंड करते हैं। यहाँ मेरा 2nd राउंड हो चुका है ग्राइंड करके, आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा थिक पेस्ट जैसे हुआ है। आपको इसे एकदम स्मूथ पेस्ट करना है, ठीक है, तभी आपका नीर डोसा जो है वो एकदम परफेक्ट और यमी बनेगा। सो यहाँ ये बन चुका है। इसे अब मैं एक दूसरे कंटेनर में निकाल दूँगी ताकि मैं बाकी के जो राइस है वो भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर दूँ। और ये आटा एकदम परफेक्ट ग्राइंड हुआ है। सो एट द 2nd स्टेज मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। ग्राइंडर में काफ़ी आटा बच गया था तो मैंने इसमें हल्का सा पानी डालकर मैंने बचा हुआ आटा भी मैंने इस मिक्सचर में बाउल में डाल दिया है। सो अब मैं इसे एक क्विक स्टर दे के छोड़ दूंगी और हमारा जो बाकी का राइस है मैं उसे ग्राइंड कर दूंगी। तो चलिए हमारा बाकी का राइस भी ग्राइंड कर देते हैं और वो हो जाएगा एंड इट इज़ डन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आटा रेडी हो चुका है। जो प्रोसेस है वो सेम है जो मैंने थोड़े पहले बताया था। पहले ड्राई ग्राइंड करना है, फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से पेस्ट बनाना है। तो मेरा यहाँ पे सारा आटा रेडी हो चुका है, अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। यह है हमारा 2nd स्टेप। 2nd स्टेप में आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो पानी का कंसिस्टेंसी है ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और ये हमारा कंसिस्टेंसी होना चाहिए टू मेक नीर डोसा। तो अब मैं यहाँ पे 1 कांदा काट रही हूँ। ये मुझे एक्चुअली तवे पे ऑयल स्प्रेड करने के लिए चाहिए। सो इसका मैं जो ऊपर वाला पोर्शन है वो निकाल रही हूँ और नीचे का जो ऑनियन आई बॉल होता है मैं उसमें फोक डालकर उसे यूज़ करूँगी। दिस इज़ द वे आई एम गोइंग टू ऑयल इट ऑन 1 साइड एंड यहाँ मेरा तवा गर्म हो गया है। अब वही प्याज जो कांदा मैंने काटा उसको मैं तेल से डुबो कर और इसमें अब मैं ऐसे राउंड राउंड तरीके से या आपको जैसे होता है ज़िगज़ैग तरीका जो भी है, बस तेल लगना ज़रूरी है। सो हियर यू गो, मैंने अच्छी तरह से तेल लगा दिया है यहाँ पे और मैं इसे ज़रा सा थोड़ा गर्म होने दूँ।
तो मेरा तवा यहाँ पे गरम होके रेडी हुआ है। अब मैं इसमें आटा डालूँगी। आटे को हमें हल्के हाथ से स्प्रेड करना है, जैसे आप देख सकते हो। आप इस आटे को जैसे डोसा का बैटर होता है वैसे आप स्प्रेड नहीं कर सकते। यू हैव टू जस्ट पोर इट एंड देन स्प्रेड इट। आपको इसे जस्ट पोर करके स्प्रेड करना है जैसे मैं कर रही हूँ। एंड जो बीच बीच में होल्स हैं उसमें आप थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा डालकर उसे आप कवर कर सकते हो। या दिस इज़ द वे जैसे मैं कर रही हूँ। सो यो वी गो, हमारा आटा अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया है। अब मैं इसे बड़े प्लेट से मैं इसे कवर करूँगी और इसे मैं एटलीस्ट 3 मिनट के लिए पकने छोड़ूंगी। यहाँ पे हमारा डोसा पक के रेडी हो चुका है। सो चलिए अब इसे निकालते हैं। निकालते वक्त प्लीज़ थोड़ा संभालिएगा क्योंकि जैसे आप इसे निकालने की कोशिश करेंगे ये टूट सकता है। सो मेक श्योर करें कि ये हाँ एकदम आराम से निकल गया। ये रहा हमारा डोसा रेडी। इस प्रोसेस और ये क्वांटिटी में आपके कम से कम 12 डोसा तो आराम से बन जाएंगे। तो आप ये डोसा अपने घर पे बनाइए, उसे मज़े से खाइए, एंजॉय करिए और घर वालों को भी बड़े प्यार से खिलाइए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।